है और ये आगे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे सौराष्ट्र कच्छ और एडजिंग पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है जैसे थचड़ हाउस है, स्लॉम्स है, मिट्टी का घर है और टीन हाउस है, एस्बेस्टस है घर है, ये सभी इसमें डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ टाइडल वेव भी आ सकता है जब साइक्लोन तट के पास आएगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है। संपर्क अधिक अपडेट दबापे आमरा सूरत प्रतिनिधि राजेश पाड़ी आम सहित जोड़ी चंती। राजेश, बात्या विपर्जय को नहीं वर्तमान अपडेट कौन आसुचि, केते किलोमीटर बेगरे वर्तमान दूरता रही तार एवं केते किलोमीटर बेगरे वर्तमान सेठारे पवन बहुचि, से नहीं कौन सा अपडेट सूचना आसी पारुचि कि राजेश? देखंतु गुजरात रे जो साइक्लोन बात्या आसुची विपर्जय यह एक उग्र रूप धारण करिवार लागेछि एवं घंटा प्रति 125 रु 150 किलोमीटर बेगरे वर्तमान से कि करूछि, जहाँ फल कि स्थानीय अंचल रे बात्यार एक भयावह स्थिति देखा मिलूँ। पानीपाग विभाग सूचना अनुसार आज संध्या सुधा कच्छ जिलार जगह जो बंदर अच्छी कराची पाकिस्तान कराची मध्य लैंडफॉल करणिपाग विभाग तरफ आकलन कराफल कि जितेबले से घूर्णी बात्या बात्या जितेबले स्थलभाग प्रवेश करते घंटा प्रति 150 किलोमीटर ऊर्ध्व वेगर पवन बहार संभावना अच्छी, जहाँफल कि गुजरात सरकार तरफ कच्छ पोरबंदर एवं द्वारका ये तीनोटि जिला को हाई अलर्ट जारी करेठी अधिकर अधिक संख्यक एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को मुतयन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोऑपरेशन जो सेठी दुई दुई केंद्र मंत्री एवं गुजरात प्रभावशाली मंत्री मानू नियोजित करापड़ी कि जो बात्या प्रभावित जो अंचल रही से अंचल लोक मानू प्राय 45 हजार रु ऊर्ध लोक स्थानातरित कर बात्या आश्रयस्थल को एवं सेमानों पर जेभली भाव में औषध एवं खाद्य पानी जमी से सुविधा मिल पार से नहीं गुजरात सरकार गृहमंत्री जो अच्छा हर्ष भाई पंडवी को यही दायित्व दी जाए नजर रखि था। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपण सूचना।